महंगाई को टॉप गियर लग गया। एक हफ्ते में 1.37% इजाफा। मजमुई शराब 42.27% तक पहुंच गई। 7 रोज के दौरान 29 अशिया महंगी। आटा, कुकिंग ऑयल, घी और चीनी भी शामिल। रमजान से पहले गिराने के तूफान से अवाम परेशान। महंगाई बहुत ज्यादा हसरा बढ़ गई है। आम गरीब बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। चिकन का रेट देख लें, सब्जियां देख लें, अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुई है और ज़खीरा दोजी करना शुरू कर दी है। आवाम से बहुत तंग है, खुदा कुछ करें इस मुल्क के लिए। इन्होंने ऐसा कर दिया है कि दोनों कोई भी बंदा कोई चीज़ लेने के काबिल रह नहीं गया। ये अपनी इनकी जायदाद है, या तो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जायदादें डालें ना, अगर गुर्बत है तो उस पर दें, तो फिर गरीबों का हाल अच्छा हो। ये नहीं करेंगे तो जारी बात है कि आवाम पिस रही है। लाहौर में हंगामा आरई के दौरान पीटीआई कारकुन की मुबैना मौत। अली बिलाल को हॉस्पिटल छोड़ने वाले अफराद की शनाख्त हो गई। पुलिस की उमर और जहांजेब से तफ्तीश जारी। अली बिलाल की मौत फोर्ट्रेस ब्रिज पर हादसे की वजह से हुई। इब्तदाई बयान। इन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं निकाला, एक बदउनवान शख्स को, एक ना लायक शख्स को, एक ना अहल शख्स को, एक घड़ी चोर को कौम के सरों पे मुसल्लत कर दिया। कौम तुम्हें छोड़ेगी नहीं, माफ नहीं करेगी इंशाल्लाह। मैंने पहला लीडर नहीं बल्कि गीदड़ देखा है जिसने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन रखी हुई हैं। जब तक मुकदमा चलते रहेंगे इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरेगा। अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार, इससे बड़ा मुनाफिक अपनी जिंदगी में देखा कहीं? मैं तहरीके इंसाफ के कारकुनों से पूछती हूं कि तुम इसकी चोरियां छुपाने के लिए क्यों तुम इसकी हिफाजत के लिए आते हो? इसको कहो अपनी हिफाजत खुद करे। अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार, ऐसा मुनाफिक कभी नहीं देखा। ये कौन सा जान का खतरा है जो जलसे जुलूसों में नहीं होता, पेशी हो तो लाहक हो जाता है। महाचोर खुलेआम दंदनाता फिर रहा है। जब तक मुकदमे चलते रहेंगे इसका प्लस्तर नहीं उतरेगा। फितना खान ने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन को ढाल बना रखा है। ऐसा बुजदिल शख्स लीडर नहीं हो सकता। कारकुन इसकी चोरियां छुपाने के लिए मार क्यों खाएं? मरियम नवाज। इमरान खान सियासी फितना वोट की ताकत से माइनस ना किया तो ये मुल्क को हादसे से दो चार कर देगा। नून लीग इंतखाबात के लिए तैयार। इलेक्शन से मुराद ये नहीं कि तोशाखाना का हिसाब ना लिया जाए। तुम भाग दौड़ करते थक जाओगे फिर पकड़े जाओगे। राणा सनाउल्ला की गरज बरस। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 3.5 लाख इजाफी अहलकार मांग लिए। पंजाब में 52,000, खैबर पख्तूनख्वा में 15,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इंतहाई हसास मकामात पर CCTV कैमरे भी नस्ब होंगे। इजलास का एलामिया जारी। वजारत दिफा से ब्रीफिंग मंगल के रोज तलब। पंजाब में इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों की तकरीरी कर दी। 36 अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स DROs की जिम्मेदारियां निभाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई असेंबली की नशस्तों पर पोलिंग 30 अप्रैल को शेड्यूल। मुमलिकत की नाहली के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाज उल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को मुकदमा सुनेगा। आरिफ अलवी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाहल करने की इस्तदा। इंसाफ के इस्तीफों की एक साथ मंजूरी के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 15 मार्च को मामला सुनेगा। PTI को नोटिस जारी कर दिया गया।
दहशतगर्दी का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम अमन, रवादारी और भाईचारे का दर्ज देता है। इस्लामोफोबिया के मसले से निमटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मुस्लिम वर्ल्ड और आदमी बरादरी को खवातीन के हकूक के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात की बहाली, चीन की तारीखी कामयाबी करार। दरख्वास्तों की वसूली का 16 मार्च से आगाज। शुमाली रीजन के लिए अखराजात 11,75,000, जनूबी रीजन के लिए 11,65,000 होंगे। कुरा अंदाजे का ऐलान अप्रैल के पहले हफ्ते में मुतवक्के। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज हज अदा करेंगे। चीन ने सऊदी अरब और ईरान की सुलह करा दी। दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर रजामंद। दो माह में सिफारत खाने खोलने पर भी इत्तफाक। मामूलात बीजिंग में होने वाली बातचीत में तय पाए।